हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने जो कोर्स बनाया हुआ है फ्रेट फॉरवर्डिंग का, उसको कौन कौन लोग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको सीखने को मिलने वाली हैं और कौन कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो वही सी सारी चीज़ मैं इसके कोर्स की जो डिटेल है वो इसके अंदर कवर करूंगा और किस तरीके से आपको ये जॉब फाइंड करने में आपको मदद करेगा, तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारा जो कोर्स है वो परचेस किया हुआ है और काफ़ी चीज़ इसके अंदर सीख भी रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो भी सीख रहे हैं, जो कम क्वालिफिकेशन है जिनकी वो भी सीख रहे हैं, जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है वो भी इस कोर्स को सीख रहे हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोगों ने कवर की हुई है, तो देखिए एक मैं छोटा सा मॉड्यूल इसका समझा देता हूँ कि फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है। काफ़ी हमारे नए सब्सक्राइबर आते हैं हमारे चैनल पे तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। तो फ्रेट फॉरवर्डिंग होता है कि एक एजेंट होता है, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर एक एजेंट होता है, हम लोग एज अ फ्रेट फॉरवर्डर काम करते हैं। हम लोगों को एक्सपोर्टर फाइंड करने पड़ते हैं जिसका हमें माल एक्सपोर्ट करना है, मतलब या फिर कोई भी एक्सपोर्टर या फिर इम्पोर्टर जो इंडिया में है किसी अदर कंट्री से माल मंगा रहा है या फिर यहाँ से बाहर भेज रहा है, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन उसका और या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ से इंडिया से लेके जिस भी कंट्री में जा रहा है वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे हम लोगों को शिपिंग लाइन से कंटेनर लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो कंटेनर को हम लोग स्टफिंग करवाते हैं, क्लियरेंस करवाते हैं कस्टम में और उसके बाद हम लोग उसको लोड करवाते हैं वेसल पे। ठीक है, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन पे उसका डिलीवरी ऑर्डर मिलता है और वो कंटेनर वहाँ पे फैक्ट्री में डिस्टर्ब होके वो कंटेनर खाली होता है। ठीक है, वहाँ का जो एजेंट है शिपिंग लाइन का उसको रिटर्न कर देते हैं। अब ये छोटा सा मॉड्यूल मैंने आपको समझाया, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर करना पड़ता है शिपिंग लाइन की वेबसाइट पर जाके। अलग अलग शिपिंग लाइन्स हैं जिसकी भी सर्विस उस डेस्टिनेशन के लिए, जिस भी डेस्टिनेशन के लिए कार्गो जा रहा है, तो जिस भी शिपिंग लाइन की सर्विस अच्छी है, फ्रेट कम है, फ्रेट मतलब जो एक्सपोर्ट करने का जो चार्जेस होता है, ठीक है, वो ओसिन फ्रेट होता है जो सी से जाता है, वो चीज़ हम लोगों ने कोर्स में कवर की हुई है, लेकिन आपको ये छोटा सा मॉड्यूल समझा रहा हूँ हम लोग वर्किंग कैसे करते हैं। तो वो चार्जेस हम लोग कलेक्ट करते हैं एक्सपोर्टर से और शिपिंग लाइन को हम लोग पे करते हैं। उसमें हम लोग जो सर्विस का चार्जेस है, सर्विस का कमीशन है, शिपिंग लाइन से कंटेनर लिया और उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने किया और उसकी वेबसाइट पे हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे लाइक शिपिंग इंस्ट्रक्शन, VGM और इसके अलावा फॉर्म 13 और बिल ड्राफ्ट, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट वगैरह, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है जो हम लोग को उसकी वेबसाइट पे सबमिट करना पड़ता है जिसकी वजह से कंटेनर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग उसकी वेबसाइट पे करते हैं, जिस भी शिपिंग लाइन का मैनुअल है वो मैनुअल करते हैं। तो सारी चीज़ कोर्स के अंदर बताई हुई है जिससे आप प्रॉपरली A to Z अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं तो भी आप इस कोर्स को आप सीख सकते हैं। अगर आपने कम क्वालिफिकेशन भी की हुई है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अच्छा खासा आप इस ट्रेड के अंदर स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा जिससे आप आगे जाके अच्छी सैलरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी प्रोफेशनल है। अगर आपको सीखना है तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके मेरे से कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में हम लोग ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इस वजह से ना छूट जाएं कि हम लोग पैसे की वजह से कोर्स नहीं परचेज कर पाए ना सीख पाए। तो हम लोगों ने बहुत ही कम चार्जेस का रखा हुआ है, तो जिसको भी परचेज करना है नंबर डेस्कटॉप पे दिया हुआ है, कॉल कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। कस्टमर सर्विस है वो आपको परमानेंटली एक्सेस आपका रहेगा, वीडियो का जो आपको मैं कोर्स दूंगा उसका भी परमानेंट एक्सेस रहेगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। कभी भी अगर आप वर्किंग भी कर रहे हैं कहीं पे, तब भी कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स की डिटेल आपको पसंद आई होगी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की हुई है वो भी आपको पता लगा होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।